दहशत ग्रुप बना रहे हैं, आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने दो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के मौका नहीं दिया जाएगा, बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज्यादा उनको डबल से ज्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का बलूचिस्तान का साल कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया फंड लेके खा जाते हैं, वो आपके साथ बैठ के क्या होता है, खाए जाते हैं तो नैब खामोश है, अगर नैब खामोश है तो फिर उनका एहतसाब करें ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते, लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था, वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं हमें इनसे बचना चाहिए। सर एक चीज़ है कि अभी तक ये वादे नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी समझ रही है अब आप अपोजिशन में हैं, कहीं आप वो जो टेक्नोक्रेट का एक शोशा छोड़ा जा रहा है उसके लिए कोई ग्राउंड तो नहीं बना रहे, पता चले कल आप टेक्नोक्रेट के हट बन के वजीर आज़म। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने जिंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाजे है कि पार्टी में एक चेंज आई है, मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है, मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है, पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा शायद साहब ये बताएं कि एपीसी होने जा रही है, उसमें जो है वो इमरान खान को दावत दी जा रही है, क्या समझते हैं इमरान खान को इस एपीसी में आना चाहिए, जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, एपीसी में जा सकते हैं? एपीसी में जाना सरप्राइज नहीं होगा, एपीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकया हुआ उसके बाद ये मामलात, अब उसकी ज़रूरत पड़ी है कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और इस खराबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। मुझे किसी बात का इल्म नहीं होगी, पार्टी में आप खुद जाते हैं या बाहर जाते हैं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। अच्छा एपीसी से कोई मामला बेहतर होने की चांस है, क्योंकि हमने देखा एक साल में तो पीडीएम मिलके तमाम जमातें मिलके कुछ नहीं कर सकी, बल्कि ज़्यादा मुसीबत में फंसी आवाम। मुशावरत जब होती है तो हल निकलते हैं, जो मुल्क के मामलात हैं आप मीशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है, ये हालात इस हुकूमत के पैदा करता नहीं है, या आपने इन मामलात को खरीदना है या आगे मसाइल का हल करना है, मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है आवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। अच्छा मरियम नवाज कहती हैं कि शायद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? चले गए।